वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। आपके टर्म 1 में चैप्टर 1-7 आ रहे हैं। आपका ये लास्ट चैप्टर इस टर्म का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका AC। ठीक है, आपका एक डायरेक्ट करंट हमने पहले पढ़ा था, यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ये कहाँ फ्लो होती है? ओनली फॉर वन डायरेक्शन। इसके हमने देखिए फिगर बनाए हुए हैं। स्टार्टिंग वाला राइट हैंड साइड में देखिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में IT वन डायरेक्शन में है, फिर राइट हैंड साइड में हमने प्लस प्लस डायरेक्शंस लगी हुई हैं, ये भी आपका एक ही डायरेक्शन में है। फिर नीचे देखिए आपका माइनस माइनस जहाँ लगा हुआ ट्रायंगल करके, दैट इज़ द वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन स्कॉल बी DC करंट। इसका सिंबल क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ आपका नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं? DC सोर्स या DC करंट। अब आपका आता जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो अपने घर में अपन यूज़ करते हैं करंट, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट ही बोलते हैं। विच चेंजेस इट्स डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को चेंज करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। सरीखे से देखिए हमने फिगर बने हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस तक का हाफ सर्किल, माइनस तक का हाफ सर्किल, हाफ सर्किल हाफ सर्किल मिलके आपका पूरा क्या कहलाता है? एक साइकिल। ठीक है, वन साइकिल हो गया आपका। फिर ऐसे ही आपका जो सेकंड वाला फिगर है वो भी देखिए, प्लस प्लस, ऊपर वाली जो डायरेक्शंस हैं वो प्लस की और नीचे जो आपकी डायरेक्शंस हैं माइनस की। ऐसे ही आपका थर्ड वाला। अब आपकी आती है एक एवरेज वैल्यू। क्या आती है आपकी एवरेज वैल्यू? I = DQ/DT, चार्ज अपॉन टाइम। जहाँ DQ/DT होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस। I average = Q/T, I average = किसी का एवरेज निकालते हैं तो IdT/dt, I = DQ/dt, DQ = IdT, तो Q = IdT। ठीक है, अगर कोई भी आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है जैसे कि Y = FT, Y एवरेज निकालना है तो YdT/dt, P = FT, तो P average = PdT/dt। नीचे देखिए हमने एक नोट डाल रखा है, कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पर डिपेंड करे तो एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पर डिपेंड कर रही है, जैसे कि आपका Q/T है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, उसका एवरेज निकालने का आपका वे क्या है? P average = PdT/dt। ओके, आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ I = 3t² फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड्स। I = 3t² फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकेंड्स। I average का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया? IdT/dt। 2 सेकेंड्स के लिए आपका 0 to 2, 0 to 2। I का वैल्यू आपको कितना दे रहा है? 3t² 3t का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t² का इंटीग्रेशन t³/3। लिमिट क्या लगेगी इसकी? 0 to 2। और नीचे भी dt का इंटीग्रेशन t, इसकी भी लिमिट क्या लगेगी? 0 to 2। ओके, I average = 3 से 3 कैंसिल हो गया, t³/3 यानी कि 2³/3, 2³/3 यानी कि 8, और नीचे आपका कितना आएगा? 2, 8/2 यानी कि 4 एम्पियर। इसके बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं आपका इस तरीके से आएगा, 2 एम्पियर आपका नीचे, 2 एम्पियर आपका माइनस का ऊपर। I average फुल साइकिल के लिए क्या होगा? 0, क्योंकि एक बार आपका प्लस है और एक बार नीचे आपका माइनस आएगा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट होके क्या आता है आपका? 0। और हाफ साइकिल के लिए क्या आएगा आपका? 2a। ओके, तो I average = यहाँ I²² = 4 एम्पियर। जो अपन घरों में करंट यूज़ करते हैं उसको हम AC बोलते हैं, जो हमें कहाँ से मिलती है? AC जनरेटर से। अब आपके ये दो फॉर्मूले हैं, V = V0 sin ωt, I = I0 sin ωt। ओके, ये आपके इस तरीके से आपके फिगर बना रखे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं, एक तरफ आपका पॉजिटिव करंट, एक तरफ नेगेटिव करंट। I = I sin ωt, हाफ साइकिल पे T/2, फिर फुल साइकिल हुआ T, फिर 3 हाफ 3T/2, फिर 2 साइकिल्स में आपका 2T।
तो आपका फुल साइकिल के लिए हमने क्या बताया था आपको, जीरो। अब ये फुल साइकिल के लिए आई एवरेज इजिकल्स टू जीरो, इसको प्रूफ करना है कि इस तरीके से आएगा, आई एवरेज इजिकल्स टू जीरो टू टी आई डी टी अपॉन डी टी। आई का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया आई ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, ओके। आई एवरेज इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी को हमने क्या लिख दिया, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट जीरो टू टी, और नीचे आपका डी टी का लिमिट क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, टी लिमिट जीरो टू टी, यानी कि टी ही आएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, माइनस हमने बाहर निकल लिया आई ओमेगा कॉस ओमेगा टी जीरो टू टी, एक बार हम टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एक बार जीरो, तो माइनस के आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो अपॉन ओमेगा टी, माइनस के आई नॉट कॉस ओमेगा टू पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस जीरो अपॉन ओमेगा टी। ऊपर आपका ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, टी की जगह हमने क्या रखा, टू पाई अपॉन ओमेगा। ये टी का वैल्यू होता है, आपको लर्न करना है, टी इजिकल्स टू टू पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा आपका कैंसिल हो गया, कॉस जीरो माइनस आई नॉट कॉस टू पाई, कॉस टू पाई यानी कि कॉस 360, 360 का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, और कॉस जीरो वन, माइनस वन और प्लस वन आपका क्या हो गया आपका जीरो। तो जीरो का नंबर हम आगे माइनस करेंगे, जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो आई एवरेज इजिकल्स टू जीरो, ओके स्टूडेंट्स। आप देखिए आपका आई इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया हुआ है जहां हमने पॉइंट इंडिकेट कर रखा है, इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं, आई नॉट हाफ सर्किल हाफ साइकिल फुल साइकिल थ्री हाफ एंड टू साइकिल्स, ठीक है। इसमें आपका आई एवरेज आपको हाफ साइकिल का वैल्यू निकालना है, हाफ साइकिल के लिए वैल्यू क्या थी आपकी, टू आई नॉट अपॉन पाई। तो आई एवरेज इजिकल्स टू आई डी टी अपॉन डी टी, इसमें लिमिट आपका हाफ साइकिल है तो लिमिट आपकी जीरो टू टी बाई टू आएगी। आई का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया आई नॉट साइन ओमेगा डी टी, ओके। आई नॉट हमने बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट जीरो टू टी, और नीचे आपका टी का इंटीग्रेशन टी, इसका लिमिट हमने रखेंगे तो आपका क्या आएगा, टी बाई टू, ओके ओमेगा टी बाई टू। अब माइनस के आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस जीरो अपॉन कॉस ओमेगा टी बाई टू, टी की जगह हमने क्या रख दिया, टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया आपका, बाकी क्या बचा, कॉस टू पाई, टू से टू भी कैंसिल हो गया आपका, कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, कॉस जीरो का वैल्यू माइनस वन, माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस का टू, और बाहर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आई एवरेज इजिकल्स टू टू आई नॉट अपॉन पाई, ओके। वी इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी एवरेज इजिकल्स टू टू ओमेगा टू वी नॉट अपॉन पाई, आई एवरेज इजिकल्स टू टू आई नॉट अपॉन पाई, ओके। ये हाफ साइकिल के लिए होते हैं आपके, हाफ साइकिल के लिए क्या आएगा, आपने जो भी वैल्यू निकाली 2 I नॉट अपॉन V, ऐसे ही V के लिए भी की 2 V नॉट अपॉन बाय, फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 2 I नॉट या V नॉट अपॉन बाय। अब आपका आता है एक RMS वैल्यू, RMS वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। V इजिकल्स टू V नॉट साइन ओमेगा T, 220 वोल्ट जो आता है ये RMS वैल्यू होती है जो अपने घरों में आता है, ठीक है। अब रूट मीन वैल्यू स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप स्क्वायर करो, फिर एवरेज निकालो, फिर उसका रूट लगाओ। जैसे आई आर एम एस निकालना है, आई का स्क्वायर किया, एवरेज का सिंबल लगाया और रूट लगाया, ऐसे ही वी आर एम एस ये वैल्यूज़ हैं। वी आर एम एस का वैल्यू कितना होता है, वी नॉट अपॉन रूट टू, और आई आर एम एस इजिकल्स टू कितना निकलता है, आई नॉट है ये, टू नहीं है, आई नॉट अपॉन रूट टू। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि आई इजिकल्स टू आई आई इजिकल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू किस तरीके से है, आई का वैल्यू आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, आई आर एम एस इजिकल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। आई आर एम एस, आई का स्क्वायर, एवरेज और रूट। आई का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट यानी कि आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
रूट को हमने हाफ पावर लगा दी, लिमिट जीरो टू टी आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन जीरो टू टी डी टी। ओके अब देखिए हमने एक इधर फॉर्मूला लिख रखा है ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। तो यहाँ आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी 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 की अगर हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू डी टी। ओके आई आर एम एस आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी आपका बाहर आ गया, अब टी माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी कॉस ओमेगा टी का क्या होगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टू टू ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा टू ओमेगा, वो आपका वैल्यू कहाँ गया नीचे लिमिट जीरो टू टू टी और आपका पूरी होल पावर क्या बन गई हाफ आई नॉट स्क्वायर टू टी। अब ये टू हमने एक अंदर ज़्यादा लिख दिया, उसको आप कट कर देना टी माइनस साइन ओमेगा, अब टी की जगह हमने क्या रख दिया पाई टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा आपका कैंसिल हो गया। ओके माइनस जीरो प्लस साइन जीरो अपॉन टू ओमेगा, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी सारी आपकी जीरो हो जाएंगी। आई आर एम एस इजिकल्स टू आई नॉट स्क्वायर टू टी टी माइनस जीरो प्लस जीरो की पावर हाफ आई स्क्वायर नॉट अपॉन टू का पावर हाफ। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए आई स्क्वायर का रूट क्या होगा आई नॉट और रूट टू का रूट क्या होगा रूट टू। तो आई आर एम एस का वैल्यू कितना है आपका आई नॉट अपॉन रूट टू, यही अपना क्या था रूट आर एम एस वैल्यू और आई, ऐसे ही वी आर एम एस का वैल्यू भी क्या निकलेगा आपका वी नॉट अपॉन रूट टू। अब आपके आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर एम एस, 220 वोल्ट कितने हर्ट्ज पे मिलती है 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं आर एम एस वैल्यू। आर एम एस वैल्यू का आपका क्या है वैल्यू वी नॉट अपॉन रूट टू, हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ आर एम एस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आर एम एस आपका जो वैल्यू घर में आती है वी आर एम एस। ओके अब देखिए वी नॉट इज इक्वल्स टू वी आर एम एस रूट टू, वी नॉट वी आर एम एस का वैल्यू अपना जो 220 वोल्ट घर पे आता है रूट टू, इसका हमारा अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं तो अपनी जो वैल्यू आती है वो 311 वोल्ट आती है। ठीक है अब मैंने देखिए आपका नोट डाल रखा है इफ वी गिवन इन एग्जाम नॉट मेंशन व्हाट काइंड ऑफ वी इट इज वी एवरेज वी नॉट वी आर एम एस। आपका देखिए अगर V आपका एग्जाम में गिवन नहीं है तो आप V एवरेज यूज कर सकते हो V नॉट या V आर एम एस, वहाँ हम V आर एम एस यूज करेंगे। ओके अब सिग्निफिकेंस ऑफ आर एम एस जो हमने बताया था इस तरीके से वी आई आर एम एस इजिकल्स टू आई एवरेज स्क्वायर आई आर एम एस आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन आई आर एम एस का ये वैल्यू है और इनटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आई स्क्वायर डी टी इजिकल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी। अब एनर्जी डिसिपेटेड, अगर एनर्जी आपकी क्या हो रही है खर्च हो रही है, डिसिपेटेड मीन्स खर्च हो रही है एनर्जी क्या हो रही है, कोई रजिस्टर है देखिए आपका ये हमने एक सिंबल बना रखा है ये रजिस्टर का साइन होता है आर आई इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है खर्च हो रही है एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर इन टाइम टी, तो एनर्जी डिसिपेटेड इन स्मॉल टाइम डी टी। ओके तो वहाँ एनर्जी स्मॉल टाइम में डिसिपेटेड क्या होगी खर्च हो जाएगी, तो डी ई इजिकल्स टू एनर्जी डी ई इजिकल्स टू क्या होगा आई स्क्वायर आर डी टी, तो ई इजिकल्स टू आर आपका बाहर आ गया आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर क्या आपका आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू टी। डी सी डिवाइसेस कैन नॉट मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट और ई एम एफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ई एम एफ, नॉर्मल अमीटर वोल्ट मीटर विल शो जीरो रीडिंग फॉर ए सी, अमीटर और वोल्ट मीटर में ये रीडिंग शोज होती हैं जीरोस रीडिंग फॉर ए सी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, इसमें फ्लक्चुएशन होता है कम पहले इधर आएगा आप साइकिल पे फिर उधर जाएगा। ओके फिर आपका देखिए सो हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर आर यूज टू मेजर ए सी, वो ए सी में मेजर किया जाता है जैसे कि आपका दे मेजर आर एम एस आई एन वी अमीटर
आई के लिए वोल्ट मीटर, वी के लिए रूट मीन जो हम स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं वो, हॉट वायर अमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। ओके, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, फाइंड आरएमएस करंट फॉर आई इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में हमने कुछ शॉर्टकट लिख रखा है। अगर साइन ओमेगा टी बार कॉस ओमेगा टी, ये जो ऊपर लाइन बनी हुई बार की लाइन है, इजिकल्स टू जीरो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो, ये वैल्यू आप लर्न कर लो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ फुल साइकिल के लिए। अब देखिए आपको आई आर एम एस वैल्यू निकालना है। आई स्क्वायर का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमने आई स्क्वायर नॉट पे अलग से बार लगाया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे अलग से बार लगाया। आई स्क्वायर नॉट तो आई स्क्वायर नॉट ही रहा, वही है आपका वैल्यू। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया, हाफ। आई स्क्वायर को अगर आप बाहर निकालोगे रूट से तो आई नॉट और रूट टू कितना हो जाएगा, अपॉन रूट टू। दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आर एम एस करेंट फॉर आई इजिकल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई आर एम एस आई का स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, आई स्क्वायर है तो आई का वैल्यू आपका क्या है, आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए स्क्वायर आपका आई नॉट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस टू ए बी। ए आपका आई नॉट, बी आपका आई नॉट, आई नॉट आई नॉट आई नॉट स्क्वायर टू आई नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया, हाँ, और साइन ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया, जीरो। तो लास्ट वाली टर्म जो होगी वो पूरी आपकी जीरो हो गई, वन एन प्लस हाफ, वन एन हाफ को आप ऐड करोगे तो आपका आई स्क्वायर नॉट थ्री बाई टू। आई स्क्वायर नॉट को आप रूट से बाहर निकालोगे तो आई नॉट, और अंदर आपका रूट के अंदर जो बचेगा रूट थ्री बाई टू। दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपका एसी करंट का वन पार्ट आज कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स।